नमस्कार मित्रों, एशियन सुधला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। दोस्तों, बहुत बड़ी सफलता यूट्यूब चैनल एशियन सुधला को आप सबके सहयोग से मिली है और यूट्यूब के 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के उपलक्ष्य में हमें गोल्डन प्ले बटन अवार्ड 10 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मिलता है और यह सफलता केवल 1100 दिनों में मिली है। और इस सफलता में बालाजी महाराज का, आप सभी दर्शकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे बच्चों का योगदान भी है जिनके लिए एशियन सुधला काम करता है और आज में वो अवार्ड जो है वो हमें जो मिला है, ये आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब का ये गोल्ड प्ले बटन अवार्ड है जो हमें मिला है और ये बटन मैं आज इन बच्चों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि हमने 5-6 ऐसे परिवारों के लिए काम किया है जिनके लिए आप सब लोगों ने लाखों रुपये की मदद की है और ऐसे बच्चों को हमने खुशियाँ दी है। आज हम कुछ राशन सामग्री, कुछ मिठाइयाँ लेकर इन बच्चों के बीच में आए हैं और आप सब जानते हैं कि मैं जब से इन बच्चों से मिला हूँ, प्रत्येक त्यौहार मैंने इनके साथ मिलाया है। तो कल मेरा बर्थडे भी था और कल मुझे ये गोल्डन प्ले बटन अवार्ड मिला है, तो आज का ये अवार्ड मैं इन बच्चों को समर्पित करता हूँ। ये मैं आपके सामने इसको खोलना चाहूँगा। ये देखिए मित्रों, ये अवार्ड है। ये अमेरिका से मिलता है, बेटे जुगल जी, मेरे मित्र जुगल जी, जुगल जी प्रजापति भी मेरे साथ है। बेटा ये देखो मित्रों, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे भगवान का रूप होते हैं और इनकी जो सेवा करते हैं उनको सफलता मिलती है, शोहरत मिलती है, दौलत मिलती है, सब कुछ मिलता है। और मैंने इसका अनुभव किया है, क्योंकि जब से हमने इन तरह के बच्चों की, इस तरह के परिवारों की सेवा शुरू की है, हमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत सहयोग मिला है। क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ हमने इसके लिए किया है वो सारा सहयोग आपसे मिला है। थोड़ा अंश हम भी अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, लेकिन आज ये गोल्डन बटन प्ले अवार्ड जो मिला है वो निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज की कृपा और इन बच्चों के आशीर्वाद से, आप सब दर्शकों के आशीर्वाद से मिला है। और ये प्यार आप सब बनाए रखें। और आज हम यहाँ पर लाडनू आए हैं, वीर तेजा कॉलोनी में, जहाँ पर ये जो परिवार है, इंद्रचंद जी नाम है, इंद्रचंद जी बावरी का परिवार है, जिनकी पत्नी इन इस तरह के मंदबुद्धि बच्चों को छोड़कर भाग गई। और देखिए इन पर कितना बड़ा संकट टूटा है। जो दादी इनकी सेवा कर रही थी, वो दादी भी बीमार हो गई, उसका पैर टूट गया है। अब ये बच्चे दिन में अकेले रहते हैं, शाम को जिनका पिता है वो काम करने के लिए, मजदूरी करने जाता है, शाम को आता है। और मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, लाडनू के लोगों से निवेदन करूँगा, कृपया इन बच्चों की मदद करें, इनकी सेवा करें, क्योंकि भगवान का रूप है। इनको कुछ पता नहीं है कि भगवान ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, कैसा दुख हमें दिया है। ये देखिए अपने आप में मस्त है, जो टोफी हम लेकर आए, देखिए किस तरह से, इनको ये भी पता नहीं कि इस टोफी को कैसे खोला जाता है, कैसे कैसे खाया जाता है, लेकिन फिर भी हम प्रत्येक खुशी का पल, प्रत्येक त्यौहार इनके साथ बिताना चाहते हैं। मेरे साथ सांडवा के जाने माने समाजसेवी, युवा समाजसेवी जुगल किशोर जी प्रजापति मेरे साथ हैं, जिन्होंने चारिया गांव में हमने जो आपको कार्यक्रम दिखाया था, जिनके लिए मकान बनाना चाहते थे, इन्होंने लोगों को अपील करके अपनी तरफ से और अपने मित्रों की तरफ से 1,03,000 रुपये की राशि इकट्ठी की है और वो उस राशि हम चारिया गांव में लगाने वाले हैं। फिलहाल आज हम यहाँ पर, ये जो पीछे आप मकान देख रहे हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा टिन सेट लगभग 20,000 रुपये की लागत से बनाना चाहते हैं और आज इस खुशी के अवसर पर हम उसकी आधारशिला यहाँ पर रखने वाले हैं। मित्रों, ये अवार्ड इन बच्चों का अवार्ड है, ये अवार्ड मैं इन बच्चों को समर्पित करता हूँ जिनकी हमने सेवा की है। आप लोगों से सहयोग से इन लोग बच्चों की हमने सेवा की है और देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अवार्ड इनको मिला है। हालांकि ये हर तरह के अवार्ड से उठकर है, इनको कुछ भी पता नहीं है, ये अपने आप में खुश हैं, लेकिन इनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो हम उपलब्ध करवा सकते हैं और आपसे निवेदन करूँगा कि इनकी सहायता करें आप। लाडू के वीर तेजा कॉलोनी में ये इंद्रचंद जी बावरी के बच्चे हैं और इन बच्चों की माँ इनको छोड़कर चली गई है और अब हम सब के बच्चे हैं, क्योंकि दादी इनकी सेवा करती थी, उस दादी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो वो इस समय यहाँ नहीं है और पिता है, वो मजदूरी करने के लिए दिन में चला जाता है। इन बच्चों की सहायता करने वाला, इनको देख रेख करने वाला भगवान है या इनके पड़ोसी हैं और इस तरह के बच्चों का सबसे बड़ा मददगार है प्रयास सेवा संस्थान, जिनकी संचालिका ईसा जी गुर्जर आप देख रहे हैं, इस तरह के परिवारों को ढूंढती है और लोगों की मदद से इनकी सेवा करती है। और जो बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो कुछ समझते हैं, उनको अपने संस्थान में ले जाकर रखती है, उनकी सेवा करती है, पालती पोसती और पढ़ाती है और ईसा जी के मार्फत ही इस तरह के बच्चों तक पहुँचते हैं और आप लोगों से मदद करते हैं, इनकी सेवा करें।
भगवान ने बहुत सारे ऐसे लोगों को बनाया है जो ऐसे बच्चों का ध्यान रखते हैं। इनमें से एक जुगल किशोर जी प्रजापति को आप देख रहे हैं, सांडवा के हैं, और हाल ही में चारिया का जो हमने प्रोग्राम बनाया था उस परिवार के लिए आपने 1 लाख से ज़्यादा रुपये की राशि जुटाई है। प्रिया सेवा संस्थान की टीम आज भी हमारे साथ आई है। ये पड़ोसी हैं इस परिवार के। मित्रों, मैंने आपको कहा था कि अब प्रत्येक त्यौहार हमारा इन बच्चों के साथ होगा, तो कल मेरा जन्मदिवस था और कल ही मुझे अमेरिका से ये गोल्डन बटन प्ले अवार्ड मिला था, और आज हम मिठाई लेकर इन बच्चों के साथ आए हैं, कुछ राशन सामग्री लेकर आए हैं। ले बेटा खा, ये बच्चा आप सबको माँ ही कहता है, क्योंकि माँ तो इसकी इसको छोड़कर भाग गई है। ये इस परिवार का घर है, और यहाँ पर आप देखेंगे टिन सेट की आज आधा साल रखेंगे हम। लाडनू नगर पालिका अध्यक्ष संगीता जी पारिक और उनके ससुर जी जाने माने नेता जगदीश प्रसाद जी पारिक, इस वार्ड के पार्षद इदरीस खान जी भी आज आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। वीर तेजा कॉलोनी का दृश्य आप देख रहे हैं, और देखिए ये बच्ची भी स्वागत कर रही है इनका हाथ जोड़कर, क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं इन बच्चों के लिए आते हैं। एक पिता जिनके 4 बच्चे हैं, 3 विमंदित हैं, और माँ बच्चों को छोड़कर भाग गई हैं, ऐसे परिवार के बीच हम यहाँ पर आज कुछ खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं। और हमने इनवाइट किया था आदरणीय जगदीश प्रसाद जी को और नगर पालिका अध्यक्ष संगीता जी को, और बहुत खुशी है कि एक निवेदन पर आप पधारे हैं यहाँ पर, और आज हम यहाँ पर एक आधारशिला रख रहे हैं एक टिन सेट की। यहाँ पर इन बच्चों के पिता इंद्र जी भी पहुँच गए हैं यहाँ पर। और इंद्र जी के इस मकान में एक टिन सेट का आज आधारशिला रखी जा रही है। लाडनू नगर पालिका अध्यक्ष संगीता जी पारिक, जगदीश प्रसाद जी सांडवा समाज सेवी जुगल जी और पार्षद महोदय इस वार्ड के। क्योंकि जहाँ पर रसोई बनती है वो खुला है पूरा क्षेत्र, और यहाँ पर ये टीन सेट लगेगा। ये देखिए पूरी टीम आज नगर पालिका अध्यक्ष संगीता जी पारिक, जगदीश जी, जुगल जी, ईसा जी जो प्रिया सेवा संस्था की संचालिका है, सभी के साथ ये बच्चे। उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों के अच्छे दिन आएंगे। पार्षद जी ने और चेयरमैन साहब ने आज इनकी मदद की है यहाँ पर नगद रूप से। जागरूक नेता एक बहुत अच्छे समाज सेवी जगदीश प्रसाद पारिक, यहाँ के पार्षद महोदय इदरीस जी, और सांडवा के जाने माने युवा समाज सेवी जुगल जी, ये सब यहाँ पर आए हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टिन सेट का लोकार्पण किया। मैं चेयरमैन साहब से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत आपका।
मैं बहुत गर्व होता है कि लाडनू जो कि सुजला क्षेत्र में पड़ता है, आपने अनेक अवार्ड जीते, आज हाल ही में आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मान मिला है, तो आज इस परिवार के बारे में शायद आपने पार्षद महोदय से जानकारी ली होगी। नहीं, इस परिवार के बारे में पहले मालूम ही नहीं था, आज आपने ही बताया है और आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने बताया और जो आप उसको पुरस्कार के रूप में जो राशि प्रदान कर रहे हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा लाडनू नगर पालिका अध्यक्षा संगीता जी को, एक बहुत ही जागरूक लेडी है और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है, क्योंकि जगदीश प्रसाद जी जो ससुर जी है वो एक बहुत अच्छे नेता है और अच्छा योगदान लाडनू की रहा है। मैं आपसे हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान में जो आपको अवार्ड मिला था और हाल ही में आपको आयरन लेडी का जो अवार्ड मिला है, उसके बारे में थोड़ी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जो उदयपुर में मेरे को स्वच्छता के लिए अवार्ड मिला था और अभी जो दिल्ली में मिला है वो आयरन लेडी का अवार्ड मिला है, और वो जो पूरा लाडनू में जो स्वच्छता के लिए अवार्ड मिला था, लेकिन ये जो परिवार है गरीब स्थिति में, ये मेरे को मालूम नहीं है और इसको स्थिति देख के मेरे को थोड़ा मन में अलग ही फील हो रहा है कि इनकी सहायता करनी चाहिए। अलग जो कोई घूमने के लिए जा रहा है, कोई अलग देवी देवताओं के जा रहा है, लेकिन ये उनकी सहायता करके सब कुछ यहाँ पे है ना। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रही है क्योंकि मन में एक पीड़ा है, दुख है, क्योंकि एक माँ ही एक माँ के दुख को समझ सकती है और इन बच्चों की माँ तो है ही नहीं। जुगल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी के ऊपर भगवान की मेहरबानी होती है अगर नीचे वाली माँ रूठ जाती है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों तरफ से रूठे, भगवान ने रूठ कर इन बच्चों को ऐसा बना दिया और माँ इनको छोड़कर चली गई, तो इनका सहारा ऐसी महिलाएँ हैं, हम जैसे लोग हैं जो इनकी मदद करके इनको सहारा दे सकते हैं और जो पीड़ा भगवान ने इनको दिए उसको हम दूर कर सकते हैं। और मैं प्रत्येक दर्शक से उम्मीद करूंगा कि आप भी ऐसे परिवार की मदद के लिए आ गए हैं। लाडनू में वीर तेजा कॉलोनी में इंद्रजी बावरी का ये परिवार है जिनके चार बच्चे, तीन विबंधित हैं और माँ इन बच्चों की चली गई। मैंने एक बार बोल दिया था कि भूल से कि माँ मर गई, और मैं तो कहूँगा ऐसी माँ का मर जाना ही बेहतर है अगर ऐसे बच्चों को छोड़कर कोई माँ चली जाती है, क्योंकि माँ ममता का रूप मानी जाती है, माँ देवी का रूप मानी जाती है और किसी माँ से ऐसी उम्मीद कहीं भी नहीं जा सकती है। और आज मुझे खुशी है कि जन्मदिवस और यूट्यूब के जो गोल्डन बटन अवार्ड जो अमेरिका से मिला है उसकी खुशी शेयर करने के लिए इन सब लोगों के बीच में आया हूँ और मेरा ये अवार्ड और मेरा जन्मदिन आज सार्थक हो गए हैं। मैं जुगल जी से बातचीत करना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं कि हमने एक परिवार और देखा चारिया में, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से छः बच्चों के माता पिता और छहों बच्चे जो विबंधित, उनके लिए हमने एक मकान तो बनवा दिया, एक कमरा बनवा दिया है और एक कमरे के लिए बहुत अच्छा डोनेशन 1,03,000 रुपये अपने स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जुगल जी ने इकट्ठे किए और वो पैसा भी हम वहाँ पर लगाने वाले हैं। ऐसे स्थिति में मैं जुगल जी से बातचीत करना चाहूँगा, प्रत्येक ऐसा कार्य जो जनता तक पहुँचना चाहिए उसके लिए प्रयास करने वाला युवा मेरे साथ है। जुगल जी, कितना दुख होता है इस तरह के परिवारों को जब आप देखते हैं? सर्वप्रथम शिव जी, आपने जो गरीबों के लिए रिपोर्टिंग की, एक यूट्यूब पर एक चैनल बनाया क्षेत्र का और उसको जो गोल्डन अवार्ड मिला उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आप ऐसे परिवारों तक पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट और वास्तविक अखबारों की रिपोर्ट में बहुत अंतर है और मुझे बड़ा दुख होता है कि नगर पालिका क्षेत्र है लाडनू और नगर पालिका क्षेत्र लाडनू होने के बावजूद भी यहाँ का जो मैंने आकर दृश्य देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज भी वास्तविक जो गरीब है वो गरीब श्रेणी में सरकारी कागजात में नहीं मिल रहे हैं। और अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मेरे ध्यान में नहीं है और अब इनके ध्यान में आया है, तो मैं निश्चित आशा और विश्वास करता हूं कि इन जैसे युवा जो नारीत्व है कि एक भगवान, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि नारी में भगवान होते हैं, और वो निश्चित इन बच्चों की दुख की स्थिति को ज़रूर भांपेंगे और इनके लिए प्रयास करेंगे। वो कहते हैं दुनिया में दो तरह के भगवान होते हैं, एक तो ऊपर वाला भगवान होता है, एक माँ वाला। इन बच्चों का ऊपर वाला भगवान भी रूठा है, इसलिए वो गूंगे हैं, बहरे हैं, विमंदित है। एक दुनिया की जो माँ भगवान कहलाती है वो भी इनको छोड़कर चली गई। ये बहुत दुख का विषय है। मैंने यहाँ आने के बाद, मेरे मित्र है विधायक मुकेश जी भाकर, मैंने तुरंत अभी कॉल किया, उनसे बात की, मैंने कहा आपका तेजा कॉलोनी में मकान बन रहा है, सुनने में आया है और यहाँ पर यह स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को तुरंत इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजें, मैं निश्चित तौर पर प्रयास करता हूँ। मुकेश जी ने जो आशा और विश्वास दिलाया है, मैं अपने आप में आश्वस्त हूँ कि वो ज़रूर प्रयास करेंगे और नगर पालिका अध्यक्षा ने भी हमें जो विश्वास दिलाया है वो भी प्रयास करेंगे और हमारा ध्येय ये होना चाहिए। प्रयास सेवा संस्थान इन बच्चों को ढूंढ रही है, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये बच्चे, इन बच्चों को जयपुर जैसे अच्छे विद्यालय हैं, उनके डॉक्टर चेकअप होना चाहिए। और मैं
ज़्यादा कुछ ही नहीं करना चाहता हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय यहाँ पर है, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एमडी डॉक्टर से इनका चेकअप करवाया जाए, क्या उनको कहाँ भेजा जाए और उनका तुरंत इलाज हो सके, और जो ऐसे परिवार है उन परिवारों को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। और गरीब की वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह कहा है कि न तो भगवान मंदिर में है न मस्जिद में है, भगवान जो वास्तविक जो गरीब है निर्धन है उन लोगों की सेवा करने में, हमें इन लोगों की सेवा करनी चाहिए। और आपके प्रयासों को और जो भी लोग इस आपकी मुहिम में जुड़े हैं, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे एक कलम यूँ चलेगी व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसके माध्यम से चारे गाँव में हमने जो सहयोग किया उसमें सहयोग सिर्फ मेरा नहीं है सर, एक प्रेरणा होती है। और सब ग्रुप के 257 सदस्यों ने 24 घंटे में मिलकर इतने बड़ी राशि को एक विश्वास के साथ किया, क्योंकि वास्तविक गरीब तक पहुंच सके। और आपको उस कार्य के लिए बहुत साधुवाद, प्रयास सेवा संस्थान को साधुवाद, और जो भी लोग इस कार्यक्रम में इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, मैं ये निश्चित तौर पर कहता हूं कि आप मंदिर और मस्जिद में दान भले ही करें, लेकिन वास्तविक दान हम जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी जा रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं, अगर हमारा पड़ोसी बिना रजाई बैठा है, वो तड़प रहा है, ऐसे बेचारे भोले बच्चे देख रहे हैं, देखते हृदय को बड़ा दुख होता है, और ऐसा मन में कभी कभी तो ये पीड़ा इतनी गंभीर हो जाती है कि जो भी नेता अधिकारी मंत्री जो भी है इनको सामने जाकर मैं कोसूं, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर एक राजतंत्र ही बचा है लेकिन गरीबों तक कोई नहीं पहुंच रहा सर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी पीड़ा प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा को कह दिया है और एक अच्छा उदाहरण दिया है स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है। आप सब जानते हैं रियल में अगर भगवान कहीं है तो वह ऐसे बच्चों में है, क्योंकि मैं पुनः कहूँगा कि ऐसे बच्चों की मदद करके हम इन पर कोई एहसान नहीं करें, हम अपने आप पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि ये साक्षात भगवान का रूप है। और जुगल जी ने चारिया गांव की पीड़ा को देखते हुए 1 लाख से ज़्यादा की राशि कटेगी, वो पैसा वहाँ पर लगेगा, तो आज 20,000 रुपये का एक टिन सेट भी हम यहाँ पर लगवा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे निवेदन पर चेयरमैन साहिबा यहाँ पर पहुँचे, उनके ससुर जी यहाँ पर पहुँचे, और पूरी उम्मीद है क्योंकि लाडनू को एक भारत के सबसे सुंदर शहरों में से जो अवार्ड मिला था वो इनके प्रयासों से मिला था, और उम्मीद है कि इनके प्रयासों से इस परिवार को भी एक सुंदर घर मिलेगा, एक सुंदर व्यवस्था मिलेगी। और अभी एक जागरूक नागरिक होने के नाते जुगल जी ने भी विधायक से बातचीत की है, अगर उनका घर यहाँ पर बन रहा है तो उम्मीद है कि इनका भी घर अच्छा बनेगा और ये परिवार भी बहुत आराम से अपना जीवन व्यतीत करेगा। SN सुलगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। पुनः उम्मीद की प्रिया सेवा संस्थान जिस तरह का कार्य कर रही है प्रत्येक व्यक्ति करें, क्योंकि आज देखने में आ रहा है कि लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और अपना सम्मान करवाते हैं, अपने मंच पर अपने को अवार्डित करते हैं और लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है, अगर वो पैसा ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए यूज किया जाए तब सच्ची मानवता है।